किशोर जय गोपी चित चोर प्रभो जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से, देश विदेश से, फेसबुक यूट्यूब आदि के माध्यम से बड़ी भारी मात्रा में इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोता गण, एवं जेठवा परिवार के द्वारा निमंत्रित अतिथि मेहमान महानुभाव, पावन पूर्वजों की स्मृति में, अपने पितरों के स्मरण में, जैसे कि देवी माँ, पुरुषोत्तम दादा, रतन माता, छगन लाल जी, जया बहन, भानु बहन, हरी लाल जी, मधुसूदन जी और नितिन भाई, ऐसे पावन पूर्वजों की स्मृति में यह सुंदर भागवत कथा का आयोजन करने वाले हमारे केनिया निवासी, नैरोबी निवासी या ऑस्ट्रेलिया निवासी मंजुला बहन, हंसा बहन, जयंत भाई, जगदीश भाई, राजेश भाई, हितेश भाई, किशोर भाई तथा राखी बहन, आप सभी भक्तों का श्रीमद् भागवत कथा के षष्ठ दिवस में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं आप सब के चरणों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा अटक अटक के आ रहा है अमित नारायण प्रभु जी। प्रभु जी, we find some issue. Yes. मैं थोड़ा सा रिफ्रेश कर देता हूँ, मुझे एक दो मिनट चाहिए, तब तक हमारे भक्तों के द्वारा हो रही सेवा का आप दर्शन करा दीजिए, तब तक मैं रिसेट कर देता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो थैंक यू वेरी मच रोहित फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू अगेन लेटिंग पीपल हैव दर्शन ऑफ आवर गोशाला एज वेल सेवा विच इज गोइंग ऑन ओवर हियर इन ऑन बिहाफ ऑफ आवर जेफा फैमिली।
So just a second, I'm just finding this. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. All right. So today we're going to have a darshan of our Goshala, and again, as I said, the wonderful seva which is going on behalf of our Jetfa family and the other members of our, you know, those who have participated in Pitrushal especially. So today we'll have darshan and then we'll hear katha. So aaj hamare Shri Radha Govind Goshala mein हमारे जेठवा परिवार के द्वारा हो रही सेवा का हम दर्शन कर रहे हैं. साथ ही साथ एज आई सेड आज चतुर्थी का श्राद्ध भी है, तो श्राद्ध सेवा के उपलक्ष में अनेक और भक्तों ने भी यहाँ पर आज सहयोग किया है, जिसकी हम सेवा के दर्शन कर रहे हैं. और विशेष आज हमारे जेठवा परिवार हमारे हितेश भाई की मदर हर ग्रेस जया माता जी उनकी आज पुण्यतिथि है, और उन सभी के उपलक्ष में तथा और भी अनेक वैष्णव हैं, जैसे कि यशवंत विकास जी राव सर्वे तथा जमुना बेन गोविंद भाई वाजा, उषा बेन गुप्ता और श्री लालजी भाई गुजराती तथा खमार सारस्वत दयाल भाई दयाल बेन और नाती बेन अंबालाल पटेल, और इसी के साथ धनजी भाई लालजी भाई ब्रह्म भट्ट, योगेश भाई धनजी भाई ब्रह्म भट्ट तथा कांति भाई रावल, इन सभी वैष्णव के यू नो सहयोग से हम पुनः एक बार फिर से यह सुंदर ब्राह्मण भोज सेवा तथा गौ सेवा प्रतिदिन कर पा रहे हैं हमारे श्री राधा गोविंद गौशाला में. और इसलिए हम सभी इन सभी वैष्णवों को, इन सभी पितरों को भी धन्यवाद करते हैं कि वाकई में आपके ये जो परिवारजन है जिन्होंने यहाँ पर सहयोग किया है, जिसके फलस्वरूप हम यहाँ पर ये सुंदर सेवा कर पा रहे हैं. तो आज विशेष चतुर्थी का दिन है और इस दिन के उपलक्ष में यहाँ पर आज यह सेवा हुई है. सो एज आई सेड जस्ट मोमेंट बिफोर दैट कि यू आल्सो कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस सेवा लाइक पितृश्राद्ध विच इज जो हम कर रहे हैं प्रतिदिन गौशाला में. तो आज चतुर्थी का श्राद्ध हुआ, कल पंचम है. आई विल गो अंटिल अमावस्या. और यदि आप भी इस पितृ सेवा में सहयोग करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके पितरों के बिहाफ में यहाँ पर हम ये सेवा का अवसर प्राप्त कर सके, तो आप हमें अप्रोच कर सकते हैं हमारे कॉन्टेक्ट डिटेल पर. एज आई सेड इट्स 7567545555 वेयर वी विल हैव अ दर्शन, वेयर वी विल हैव अ दिस वंडरफुल सेवा. एज यू आर नोटिसिंग, तो आप सबसे निवेदन है कि कृपया यहाँ पर पार्टिसिपेट कीजिएगा. और इसी के साथ यहाँ पर आप अपने पितरों के लिए ये सुंदर सेवा कर सकते हैं. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. सो थैंक यू वेरी मच एंड विल have a small kirtan. As I said, this was the information I had left for today. So I'm with no more information now. And aap sabse request karenge ki aap zarur is seva mein sahyog kijiyega apne pitron ke liye, jahan par hum pratidin kar hi rahe hain, parantu aap sabse anurodh hai ki aap bhi aane wale dino mein yadi aapne abhi tak naam nahi diye hai to aap zarur de sakte hain, jisse ki hum unke liye bhi yahan par ye bhagirath karya mein kar sake. So I will recite small prayers by the time the issues is resolved. Okay. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So let us, you know, try to remember Lord Narsingdev, who is the remover of all the obstacles which is coming in our life. So let us remember him. Hare Krishna. Namaste Narasimhaya. Namaste Narasimhaya. I think the name of Lord Narasimhadev is sufficient. Simply by chanting his name, we are able to get Prabhuji back. All right. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
सो पुनः एक बार आप सभी भक्त का श्रीमद् भागवत कथा के इस षष्ठ दिवस में हार्दिक स्वागत एवं आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम। पावन पितृ पक्ष चल रहा है और जिन माता पिता की कृपा से, जिन माता पिता ने इस शरीर का जन्म दिया, इस शरीर का लालन पालन किया, पढ़ा लिखा कर हम सबको बड़ा किया, समर्थ बनाया, और आज हम अपनी अपनी फील्ड में पूर्ण रूप से सक्सेस होकर और साथ ही साथ भगवान के भजन में लगे हुए हैं, यह माता पिता का बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे हमारे माता पिता या उनके माता पिता, हमारे पूर्वज, हमारे पितरों के स्मरण के ये दिन है। वैसे उनके ऋण से तो हम पूर्ण रूप से मुक्त नहीं हो सकते, परंतु ऐसे अवसर पर उन पितरों का श्राद्ध करके, उनको भोजन खिलाकर या उनका स्मरण करके, भगवत कथा सुनकर या भगवत कथा सुनाकर हम हमारे पितरों को प्रसन्न करने का विनम्र प्रयास कर सकते हैं। और ऐसा ही एक प्रयास यहाँ पर हो रहा है। आप सभी भक्त जत्थाबंध श्रद्धा को लेकर उपस्थित होते हो, आपकी जत्थाबंध इस श्रद्धा को मेरे शत शत वंदन, मेरे शत शत प्रणाम है। जैसे अमित नारायण प्रभु ने निवेदन किया, श्रील प्रभुपाद जी ने एक मुहिम चलाई, सारे वेद शास्त्र पुराण उपनिषदों का सार एक और मात्र एक हरि नाम है, और हम प्रतिदिन हरि नाम की कुछ महिमा सुनकर भागवत में प्रवेश करते हैं। गत सत्र में हम सब ने श्रवण किया कि किस प्रकार से इस महामंत्र में 16 नाम है और इस महामंत्र के प्रत्येक नाम, 16 नाम में प्रत्येक नाम के अलग अलग अर्थ और अलग अलग भाव है। ऐसे असंख्य भाव और असंख्य अर्थ है, परंतु हमारे प्रामाणित आचार्य श्रीपाद जीव गोस्वामी ने एक तरीके से इस महामंत्र की व्याख्या बताई। मेरे तो मन में ऐसा लक्ष्य था कि मैं एक दिन में ही इसका अर्थ बता दूंगा, लेकिन थोड़ा सा जटिल हो रहा था, इसलिए ब्रेक कर करके मैं आपको बता रहा हूं। तो अब तक के 12 शब्द के अर्थ हमने सुने जीव गोस्वामी के द्वारा। अब शिवा जीव गोस्वामी कहते हैं कि इस महामंत्र में 13वां शब्द है राम। तो महामंत्र में ये 13वां शब्द जो राम है, इस राम का अर्थ क्या है, इसके पीछे भाव क्या है, इसके पीछे का इतिहास क्या है। यहां पर महामंत्र में 13वां शब्द जो राम है, ये राम शब्द कृष्ण के लिए इस्तेमाल किया गया है। भगवान श्री कृष्ण को राम कहते हैं, एक्चुअली राम नहीं, रामा कहते हैं, रामा रामा। तो शिवा जीव गोस्वामी को प्रश्न पूछा गया कि कृष्ण को रामा क्यों कहते हैं, और वही रामा यहां पर 13वें शब्द के रूप में रखा गया है। तो इसका उत्तर देते हुए जीव गोस्वामी लिखते हैं, श्लोक आप नीचे देख सकते हैं, अब तो आप लोग भी एक्सपर्ट हो गए हैं वो ज्वाइन करने में, 13वां शब्द 13वां श्लोक। तो शिवा जीव गोस्वामी कहते हैं, निकुंज वन मंदिरे, अन्वयी के अनुसार यदि हम इसे पकड़े तो रमयति अच्युतम प्रेमणा निकुंज वन मंदिरे रामा निगदिता राधा रामो युक्त तया पुनः। बहुत सुंदर अर्थ करते हैं
जीव गोस्वामी, वे कहते हैं निकुंज वन मंदिरे, बोले निकुंज में, वृंदावन में, ब्रज में अनेकों कुंज होते हैं, अनेकों वृक्षों से बने हुई गुफा, वृक्षों से बनी हुई झाड़ी, उसे कुंज कहते हैं। कुंज, अब तीन प्रकार की चीजें, कुंज, निकुंज और निभृत निकुंज। कुंज उसे कहते हैं जिसमें अंदर बैठे वाला व्यक्ति बाहर का देख सकता है, बाहर खड़ा हुआ व्यक्ति अंदर का देख सकता है, उसे कुंज कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ शीश महल, आजकल की ऑफिसें होती है ना, पूरी कांच की बनी हुई, अंदर का बाहर देखे, बाहर वाले अंदर का देखे, उसे कहते हैं कुंज। उससे ऊपर की कैटेगरी में है निकुंज। निकुंज में क्या है, अंदर बैठा हुआ व्यक्ति बाहर तो देख सकता है, लेकिन बाहर जो खड़ा है वो अंदर का नहीं देख सकता, इसे निकुंज कहते हैं। और तीसरा है निभृत निकुंज, वो फिर कभी सुनेंगे, यहां पर क्योंकि निकुंज की बात हो रही है। तो कहते हैं निकुंज में रमयती अच्युतम प्रेमणा, ब्रज के वृंदावन के निकुंज में श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण को अपने प्रेम में पूर्ण रूप से आनंद देती है। श्रीमती राधा रानी उस निकुंज वन मंदिर में कृष्ण को पूर्ण रूप से आनंद में रमाती है। तो रमयती अच्युतम, आनंद में रमाती है किसको, अच्युत भगवान कृष्ण को, प्रेमणा प्रेम से, कहां, तो कहते हैं निकुंज वन मंदिर है, निकुंज वन मंदिर में। और क्योंकि राधा कृष्ण को आनंद में रमाती हैं और कृष्ण उस आनंद में रम जाते हैं, तो आनंद में रमने के कारण कृष्ण को रामा कहते हैं। दूसरी लाइन में आप देख सकते हैं रामा नी गतिता, इसलिए कृष्ण को रामा कहा जाता है। राधा के द्वारा रमाए गए इसलिए कृष्ण को राधा रामा कहते हैं। लेकिन जीव गोस्वामी ने यहां पर एक हमें संदर्भ यह दिया है, जीव गोस्वामी कहते हैं कि कृष्ण को रामा या राम तब ही कहते हैं जब राधा उनके साथ खड़ी है। आप दूसरी लाइन का तीसरा शब्द देख सकते हैं, राधा रामो युक्त तया पुनः, राधा और राम कृष्ण दोनों युक्त हैं, दोनों साथ में हैं, तब ही कृष्ण को राम कह सकते हैं, अन्यथा नहीं कह सकते। सो कुल मिलाकर श्रीमती राधा रानी के साथ भगवान श्री कृष्ण आनंद लेते हैं, रमते हैं, इसलिए कृष्ण को इस 13वें शब्द में राम कहते हैं। तो जब हम महामंत्र बोलते हैं तो महामंत्र में 13वां शब्द जो आता है राम, इसका यह भाव है। ये तो एक भाव है, ऐसे असंख्य भाव हमारे आचार्यों ने दिए हैं। मैं साल भर भी हरि नाम पर बोलता रहूं ना तो भी समाप्त होने वाली चीज नहीं है। हम आगे चलकर प्रयास करेंगे इसको गाने का। तो ये हुआ राम, आज हमें ये कंप्लीट करना है। अब 14वां शब्द क्या है, फिर से राम। अब यहां 14वें शब्द 14th वर्ड जो है, वहां राम का अर्थ बदल गया। वहां कृष्ण को इसलिए राम कहा गया क्योंकि राधा रानी उनके साथ है, रामा। लेकिन यहां 14th वर्ड जो है उसे राम क्यों कहते हैं, ब्रज में एक घटना घटी। और घटना क्या थी, एक दिन ब्रज वृंदावन में बहुत बड़ी दावाग्नि लग गई। दावाग्नि जानते ना, अब आजकल की माता है तो रसोई की अग्नि से भी परिचित नहीं है, केवल रेस्टोरेंट में ऑर्डर करके खाने वाले लोग दावाग्नि क्या समझ पाएंगे है? पहले जमाना होता है था कि चूल्हे पर बैठकर माताएं भोजन बनाती थी, लेकिन ये तो सब अब खो ही गया। दावाग्नि उसे कहते हैं जो वन में लगती है, वन की आग। वन में चारों ओरों से आग लगती है, वृक्षों के घर्षण होने से चारों ओरों से आग की लपट में वन के पशु पक्षी वहां फंस जाते हैं। तो ब्रज वृंदावन भी एक वन है, और उस वन में किसी असुर के द्वारा आग लगाई गई
और सारा वन जलने लगा। सारे ब्रजवासी त्राहिमाम कर उठे, सारे ब्रजवासी रोने लगे। और उस समय भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को रोते हुए देखा। आप श्लोक में देख सकते हैं, 14वें शब्द में राम इसलिए कहा गया, क्यों? क्योंकि रोदने गोकुले, गोकुलवासी को जिन्होंने रोते हुए देखा, रोदने रोते हुए गोकुले गोकुलवासियों को कृष्ण ने देखा। और कृष्ण देखा, अब तक तो एक असुर आता था, दो पांच को परेशान करता था और मैं उसे मार देता था, लेकिन अब तो ऐसी आग लगी है जिसमें पूरे व्रज को ही उठा लिया। क्या करे क्या करे? भगवान श्री कृष्ण ने व्रजवासियों को कहा, एक काम करो, चिंता मत करो, आप सब लोग अपनी अपनी आंखें बंद कर लो। क्योंकि भगवान जानते थे कि ब्रजवासी यदि आंखें खुली रखेंगे तो कृष्ण अब जो करने जा रहे हैं वो देख नहीं पाएंगे, या फिर कृष्ण के प्रति ऐश्वर्य भाव प्रकट हो जाएगा। कृष्ण ने कहा कि आप सब लोग अपनी अपनी आंखें बंद कर दो। सारे ब्रजवासियों ने आंखें बंद की। फिर श्लोक में क्या लिखा है, दावा नलम आशयति यशो। भगवान श्री कृष्ण अपने मुख से सारी दावा अग्नि को पी गए। कृष्ण पूरे ब्रज में लगी हुई आग को पी गए, दावाग्नि पान। और एक बार नहीं, श्रीमद् भागवत जी में दो दो बार ये कथा है, भगवान श्री कृष्ण दो दो बार दावाग्नि का पान किए। अब मुझे तो केवल इतना ही कहना है कि इस दुनिया में कुछ साधारण मनुष्य अपने आप को भगवान मानते हैं, अहम ब्रह्मास्मि सोहम शिवोहम, मैं ही शिव हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ईश्वर हूं। उस अपने आप को भगवान मानने वाले को कहना चाहिए कि हमारे भगवान कृष्ण ब्रज में दो बार दावाग्नि लगी थी और दो बार दावानल को पी गए। आप दावानल छोड़ दो, आप गरम गरम चाय और दूध भी फूंक मार मार के पीते हो, दावा अग्नि क्या खाक पी सकते हो? कोई अग्नि का कोई चीज मुख में डालेंगे तो बिल्कुल चिल्ला उठते हैं। ये भगवान है, दावा नलम आशयति यशो। भगवान दावा अग्नि को पी गए। और इसे दो चीज, एक विशोषयति, दावा अग्नि को पीने से क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने उन सारे ब्रजवासियों को विशोषयति, ब्रजवासियों को शोक से मुक्त कर दिया। शोषयति माने शोक करना और विशोषयति माने शोक से मुक्त कर दिया। और दूसरा लास्ट में लिखा है, भक्त सुखा वह। कृष्ण ने ब्रजवासियों को शोक से मुक्त किया और अपने भक्तों को सुख दिया। तो विशोषयति भक्त सुखा वह, देयरफोर अतः तेन उक्तो रामोह, इसलिए कृष्ण को राम कहा गया। तेन उक्तो रामोह, इसलिए कृष्ण को रामो कहते हैं। कभी कभी हमारे ये फॉरेनर रामो रामो करते ना, हरे कृष्ण रामो, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। कृष्ण को रामा भी कहते हैं, राम भी कहते हैं, रामो भी कहते हैं, रामो। सो इस प्रकार से महामंत्र में जो 14वां शब्द है राम, इसका भाव जीव गोस्वामी ने इस प्रकार से प्रदान किया। आइए अब यहां पर महामंत्र में 15वां शब्द है हरे। हरे शब्द जो है ना, हरा से बना है और हरा श्रीमती राधा रानी का एक नाम है। सो राधा को हरा क्यों कहते हैं, ये 15वें शब्द में हरा का क्या तात्पर्य है? शिवाजीव गोस्वामी कहते हैं, निहंतुम असुरान यातो मथुरापुर मित्यसो तद आगम रह कामो यस्या सासो हरे तीच। क्या कहते हैं कि निहंतु, हंतु हंतु माने हनन करना, और निहंतु माने नितराम हनन करना, कंप्लीटली पूर्ण रूप से करो कंस निर्वंश मिटदऊ नाम निशानी रे,
कंस के पूरे वंश को खत्म करना था। तो कंस जैसे असुरों को मारने के लिए भगवान श्री कृष्ण या तो माने चले गए, गोकुल को छोड़कर ब्रज को छोड़कर निहंतुम असुरान, असुरों का हनन करने के लिए या तो कृष्ण चले गए। कहां चले गए? मथुरापुर इत्यसो। कृष्ण मथुरा चले गए, मथुरा माने मथुरा नगरी और पूर माने द्वारिका पूरी, फिर मथुरा से द्वारिका चले गए। अब कृष्ण मथुरा, मथुरा से द्वारिका, अब यहां पर ब्रजवासी कृष्ण की राह देखते कब आएंगे कब आएंगे। कृष्ण द्वारिका जाकर भी उनको चैन नहीं मिला, यद्यपि 16108 पत्नियां थी, परम ऐश्वर्य था कृष्ण को, बाहरिक रूप से किसी भी वस्तु की कमी नहीं थी, लेकिन एक चीज की कमी थी और वो थी श्रीमती राधा, राधा का प्रेम। सो राधा रानी से एकांत में मिलने की इच्छा भगवान श्री कृष्ण के मन में हुई। द्वारिका में रहते थे लेकिन चैन नहीं पाते थे, और स्कंद पुराण में वर्णन है कि फिर एक दिन कृष्ण राधा रानी को मिलने के लिए द्वारिका से गोकुल में आ ही गए। एक बार कुछ लोग कहते ना, कृष्ण गए तो गए वापस नहीं आए। नहीं नहीं, कृष्ण वापस आए हैं, स्कंद पुराण इसका प्रमाण है। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका से वापस आए तो दूसरी लाइन में कहते हैं तद आगम रह कामो। तत आगम, कृष्ण द्वारिका से वापस आए, क्यों? कामो यस्या, क्योंकि राधा रानी से एकांत में मिलने की इच्छा थी, कामना थी। अब यदि राधा रानी न होती तो भगवान कृष्ण ब्रज में नहीं आते, लेकिन राधा रानी को मिलने के लिए कृष्ण ब्रज में आए और फिर सारे ब्रजवासियों को कृष्ण का दर्शन संग आदि मिला। तो यहां पर राधा के प्रेम ने कृष्ण को द्वारिका से हर लिया, द्वारिका में थे द्वारिकाधीश, लेकिन राधा के प्यार ने कृष्ण को द्वारिका से हर लिया, द्वारिका से खींच कर लेकर आई। तो कृष्ण को हरा, इसलिए राधा का नाम ही हो गया हरा। कृष्ण को द्वारिका से हर लिया, राधा के प्रेम ने कृष्ण को द्वारिका से हर लिया, इसलिए राधा का नाम हो गया हरा। और उसी हरा को संबोधन एक वचन में कहते हैं हरे। तो यहां पर 15वां शब्द महामंत्र में जो है वो राधा रानी के लिए है, क्योंकि राधा के प्रेम ने कृष्ण को हर लिया था, ये भाव है। हम तो महामंत्र आज तक बहुत जपे लेकिन कभी इनके शब्दों पर विचार, ये तो केवल प्रारंभिक है, मुझे तो लगता है इस पर कथा होनी चाहिए। महामंत्र ये तो स्टार्टिंग व्याख्या है, धीरे धीरे आचार्यों ने इस महामंत्र के ऊपर बहुत कुछ लिखा, बहुत कुछ वर्णन किया है। अब महामंत्र का अंतिम शब्द है हरे, फिर से हरे, लेकिन ये अंतिम शब्द हरे जो है वो भगवान कृष्ण के लिए है। 15वां शब्द जो है वो राधा के लिए है हरा हरे, लेकिन 16वां शब्द हरे ये कृष्ण के लिए है। अच्छा, कृष्ण को हरे क्यों कहते हैं 16वें शब्द में? तो आप नीचे देख सकते हैं, आगत्य दुख हरता यो सर्वेषां ब्रजवासिनः श्री राधा हार चरितो हरि श्री नंद नंदना। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका से आए और द्वारिका से आकर यो, जिसने सर्वेषाम दुख हरता, जिस भगवान श्री कृष्ण ने सर्वेषाम व्रजवासी नाम सभी व्रजवासियों के दुख को हर लिया। एक, द्वारिका से आकर कृष्ण ने सभी व्रजवासियों के दुख को हर लिया, और दूसरा श्री राधा हार चरितो, अपने चरित्र से कृष्ण ने राधा के मन को हर लिया। तो व्रजवासियों के दुख को हरा और अपने चरित्र से राधा के मन को हरा, अतः देयरफॉर श्री नंद नंदन हरि ही, इसलिए नंद नंदन को हरि कहा जाता है।
ब्रजवासियों के दुख को हरा, राधा के मन को हरा, इसलिए नंद नंदन को हरि कहते हैं और उसी हरि को संबोधन में यहाँ पर हरे कह रहे हैं। तो हरे कृष्ण महामंत्र में जो अंतिम शब्द हरे है उसका ये अर्थ आपके सामने। तो इस प्रकार कुल मिलाकर महामंत्र के 16 शब्द और 16 अर्थ इस पिछले 3 दिन में आपके सामने हमने प्रस्तुत किए हैं। जब भी आप महामंत्र जाप करेंगे तो इस लीलाओं का जाप कीजिए। जैसे हरे कृष्ण बोल रहा हूँ तो हमने ये सुना, और याद करते करते कभी हमें भी याद कर लीजिएगा। भगवान से प्रार्थना में हमें भी रख दीजिएगा कि कोई एक छोटा सा आपका दास है जो रात दिन बहुत बकते रहता है, तो आप उन पर भी थोड़ी सी कृपा कर दीजिए। मैं सच कहूं तो इसी भावना से, इसी उद्देश्य से कि आप लोग हमारे लिए प्रार्थना करोगे, और निश्चित है जैसे हनुमान जी ने सुग्रीव के लिए प्रार्थना की तो भगवान ने तुरंत सुन ली, ठीक उसी प्रकार आप जैसे भक्त हमारे लिए प्रार्थना करेंगे कि हमारे हृदय में प्रेम प्रकट हो, शुद्ध भाव और भक्ति प्रकट हो, तो निश्चित भगवान आप लोगों की सुनेंगे और हम पर कृपा अवश्य करेंगे। इस भाव से हम यहाँ पर रात दिन टूटा फूटा ही सही गाते रहते हैं। आइए तो सब लोग हनुमान जी की उंगली पकड़ लीजिए। मैं आशा करता हूँ आप लोग हम हनुमान जी की उंगली पकड़ कर रखे हैं कि 24 घंटे में छोड़ दिया। कुछ लोग हैं 24 घंटे में भूल गए हैं, हनुमान जी की उंगली को छोड़ दिए। कोई बात नहीं, आइए 2 मिनट में फिर से पकड़ा देता हूँ। रामायण में बहुत सुंदर निवेदन करते हैं, नाथ से ल पर कपिपति रही सो सुग्रीव दास तव अहि तेहि सन नाथ मयत्री कीजे दीन जानी तेहि अभय करी जे दीन जानी ते ही अभय करी जे। सो नाथ सेल पर कपिपति रही। भगवान राम और हनुमान जी का मिलन हुआ। राम ने बारंबार कहा कि हनुमंत आपकी कथा सुनाओ। हनुमान ने कहा देखो हम जैसे लोगों की कथा हो नहीं सकती, हमारी तो व्यथा होती है। तो राम जी ने कहा तो व्यथा ही सुना दो। बोले कथा हमारी हो नहीं सकती और आपको मिलने के बाद व्यथा अब हो बच नहीं सकती, तो न कथा है न व्यथा है। राम ने कहा तो और कुछ भी सुना दीजिए। तब हनुमान जी महाराज कहते हैं के नाथ सैल पर कपिपति रही सो सुग्रीव दास तव अहि। हे नाथ, इस ऋषिमुख पर्वत पर वानर राज सुग्रीव रहते हैं और जो आपको अपना दास मानते हैं। तो भगवान रामचंद्र ने कहा तो ठीक है, तो मैं क्या करूं। तो हनुमान जी कहते हैं दूसरी लाइन में, तेहि सन नाथ मयत्री कीजे, हे नाथ आप सुग्रीव जी के साथ मित्रता कर लीजिए। सुग्रीव के साथ मित्रता, राम जी ने मानो हनुमान जी को कहा कि मैं उसके साथ मित्रता क्यों करूं, मैं उसके साथ मित्रता क्यों करूं। तो हनुमान जी कहते हैं कि नाथ आपकी स्थिति और उसकी स्थिति दोनों सेम है, मतलब एक ही जाति के लोग आप दोनों है। बोले कैसे। बोले आपकी पत्नी को रावण ने चुरा लिया तो आप बिना पत्नी के दर दर भटक रहे हैं, और सुग्रीव की पत्नी को बाली ने चुरा लिया तो आप दोनों की पत्नी नहीं है, तो आप दोनों वैसे ही समान एक रोग के शिकारी हैं। सो घायल की गति घायल जाने, इसलिए नाथ आप उनसे मित्रता कर लीजिए। राम जी ने कहा कि देखो
मेरी भी पत्नी नहीं, उसकी पत्नी नहीं, तो आप कहते हो मित्रता करो क्यों? बोले प्रभु, राम जी ने कहा कि देखो भाई, उनकी पत्नी नहीं तो वो भी चिंता में, मैं भी चिंता में। राम जी ने कहा कि हम दोनों की परिस्थिति समान है, तो हम दोनों एक दूसरे को कैसे हेल्प कर सकते हैं, एक दूसरे को हम कैसे मदद कर सकते हैं। अब दो आदमी समुद्र में जा रहे हैं, तो दो में से एक को तो तैरना आना चाहिए। अब दोनों को तैरना नहीं आता तो दोनों डूबेंगे। राम जी ने कहा कि हम दोनों की पत्नी नहीं, हम दोनों डूबेंगे। हनुमान जी ने एक बहुत सुंदर बात कही, बहुत सुंदर बात। हनुमान जी कहते हैं, नाथ आप दोनों की स्थिति समान है लेकिन परिस्थिति समान नहीं है। आप दोनों की स्थिति एक है, आपकी भी पत्नी कोई ले गया, सुग्रीव की पत्नी भी कोई ले गया, स्थिति समान है लेकिन परिस्थिति अलग है। परिस्थिति क्या है? पत्नी चले जाने के कारण सुग्रीव के मन में बहुत चिंता है, और आपकी पत्नी चले जाने पर भी आपको चिंता नहीं, आपके मन में चिंतन है। सुग्रीव को चिंता है, आपको चिंतन है। यदि चिंता वाला आदमी ईश्वर भगवत चिंतन करने वाले व्यक्ति से मिल जाए तो उनकी सारी चिंता दूर हो जाती है, सारी चिंता दूर हो जाती है। इस दुनिया में दो ही चीज हो सकता है, तीसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं, या चिंता करो या हरि का चिंतन करो, दैट्स ऑल। और हरि का चिंतन नहीं करोगे तो दुनिया भर की चिंता करते रहोगे। सो चिंता या चिंतन, इस दुनिया में कितना भी चिंता मन में, हृदय में कितनी भी चिंता हो, लेकिन किसी चिंतन करने वाले साधु से मिल जाओगे ना, आपकी सारी चिंता खत्म हो जाएगी। तो हनुमान जी की ये महिमा है कि चिंता करने वाले को चिंतन करने वाले से मिला देते हैं। हमें भी भक्तों, श्रीमद् भागवत जी में प्रश्न उठा, इस दुनिया में सबसे बड़ी विपत्ति क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हम और आप जिसे प्रॉब्लम मानते हैं वो प्रॉब्लम है ही नहीं। प्रॉब्लम यही है, दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि भगवान का चिंतन न होना। क्योंकि जिस घड़ी जिस समय हरि का चिंतन नहीं होगा तो चिंता होना स्वाभाविक है। हमारा प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमें चिंता है, हमारा प्रॉब्लम ये है कि हरि का चिंतन नहीं है। अभी आपको हरि का चिंतन हो रहा है, भगवान का चिंतन हो रहा है, तो चिंता का कोई प्रश्न ही नहीं है। लेकिन जैसे ही भगवान का चिंतन बंद कर दोगे, दुनिया भर की चिंता खड़ी हो जाएगी। सो बहुत सुंदर हनुमान जी ने कहा कि स्थिति तो समान है लेकिन परिस्थिति अलग है। इस संसार में भी कई बार भक्तों के जीवन में भी प्रॉब्लम होती है, कई बार ऐसा लगता है कि इस भक्त को भी पैरालिस हो गया, अटैक हो गया, इनको कोविड हो गया, इनको रोग हो गया, तो दुनिया वालों को भी होता है। कभी कभी भक्त भी दुनिया वालों के रोग की तरह शिकार हो जाते हैं। बाहर से स्थिति तो समान लगती है लेकिन किसी साधारण व्यक्ति में और किसी वैष्णव भक्त में परिस्थिति अलग होती है। साधारण आदमी चिंता में होता है लेकिन भक्त चिंतन में होता है, और चिंतन के कारण बाहर से कितनी भी प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम उसके मन को, माइंड को टच नहीं करती है। उस दुख का, उस प्रॉब्लम का उसे एहसास नहीं होने देती है चिंतन। इस दुनिया में सबसे बड़ा धन, यदि आप मुझे पूछो, जहां तक हमने अनुभव किया और हमने जीवन में जिनको परखा, इस दुनिया में सबसे बड़ा धन यदि कोई है तो वो है हरि का चिंतन, भगवान का चिंतन। बड़े बड़े साधु संत महात्मा अपना सब कुछ छोड़कर, सब कुछ त्याग कर एक ही कार्य करते थे, भगवान का चिंतन। और हरि का चिंतन नहीं होता है इसीलिए हम ये सब कार्य में लगे हैं, ये सेवा वो सेवा, ये करो वो करो। मूल तो यही है कि भगवान का चिंतन करें।
अब यहाँ पर एक बहुत सुंदर बात, जब हनुमान जी ने कहा कि हे नाथ, शैल पर कपिपति रही, ऋषमुख पर्वत पर सुग्रीव जी रहते हैं और आप उनसे मित्रता कीजिए, तब भगवान रामचंद्र कहते हैं कि हनुमान जी आप भी मेरी टीम में नहीं है। जब से अयोध्या से निकला हूं तब से मुझे मित्र ही मित्र मिल रहे हैं। जब श्रृंगवेरपुर पहुंचा तो वहां मित्र निषाद मिला, फिर उसके आगे गया तो केवट भी मित्र के रूप में मिला। तो मुझे तो जितने भी मार्ग में रास्ते में मिल रहे हैं सब मित्र ही मिल रहे हैं, मुश्किल से एक दास मिल रहा था। क्या कहते हैं, नाथ शैल पर कपिपति रही सो सुग्रीव दास तव अही। मुश्किल से मुझे एक चेला बनाने का अवसर मिला था जो मेरा पांव दबाता, मेरी सेवा करता। तो मुश्किल से ये सुग्रीव मेरा दास, मेरा शिष्य, मेरा चेला बनने आ रहा था, लेकिन उसके लिए तुम क्या कह रहे हो, तेही सन नाथ मैत्री कीजिए, उसे भी तुम मित्र बनाने की बात कर रहे हो। भाई एक तो चेला बनने दो, एक तो दास। यदि सुग्रीव को मैंने मित्र बना लिया तो मेरे जीवन में दास का पद खाली रह जाएगा। तब हनुमान जी इतना ही कहते हैं, प्रभु मैं यही तो चाहता हूं कि आपको मित्र मिले और आपके दास का पद खाली रह जाए, क्योंकि दास का पद हनुमान जी स्वीकार करेगा, आपके दास के पद पर मैं विराजमान रहूंगा। जनकपुर में जब महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर गए और फिर एक दिन जनकपुर की शोभा आदि देखी, स्वयंवर आदि सब कुछ पता चल गया, तो जिस दिन भगवान रामचंद्र धनुष तोड़ने वाले थे उसके अगले दिन लक्ष्मण जी राम जी के चरण दबा रहे थे और चरण दबाते दबाते रो रहे थे। भगवान रामचंद्र ने लक्ष्मण जी से कहा, भाई तू रो क्यों रहा है, तुझे बाबा की याद आ रही है, माँ की याद आ रही है। बोले नहीं भैया। तो बोले रोने का कारण क्या है। बोले कल सीता स्वयंवर है और मुझे तो विश्वास है कि आप धनुष तोड़ दोगे और फिर आपकी शादी हो जाएगी। तो भैया आपकी शादी होने के बाद ये जो मैं आपका चरण दबा रहा हूं, ये चरण दबाने की सेवा तो छूट ही जाएगी। तब राम जी कहते हैं, लखन तुम रो मत, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें वादा करता हूं, यदि सीता से मेरा विवाह हो भी जाए तो मेरा एक चरण सीता दबाएगी और एक चरण तुम दबाना, और जिस दिन सीता और तुम दोनों कहीं बाहर जाओगे तो मेरा हनुमान ही अकेला दोनों चरण दबा देगा। भगवान राम को हनुमान के ऊपर बड़ा कॉन्फिडेंस था। ऐसे राम जी के परम प्रिय पात्र श्री हनुमान जी महाराज की उंगली पकड़कर आइए, आज हम बड़े भाव और प्रेम से हमारे पितृ पक्ष में हम पितृ की महिमा का श्रवण करें। यही हनुमान जी महाराज भगवान श्री कृष्ण के रथ की ध्वजा में बैठे हैं और इस ध्वजा में बैठकर ये जो प्रसंग मैं आपको बताने जा रहा हूं इस प्रसंग को निहार रहे हैं। हनुमान जी की साक्षी में ये घटना घट रही है। घटना क्या है, कल आपने सुना श्री सूत गोस्वामी ने कहा कि हे ब्राह्मणों, वो द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा जिसके हृदय में बदले की आग जल रही है, अश्वत्थामा के हृदय में बदले की अग्नि जल रही है और उस अश्वत्थामा ने 6 ब्रह्मास्त्र छोड़े, 5 ब्रह्मास्त्र 5 पांडवों पर और 6ठा ब्रह्मास्त्र पांडवों का अंतिम वंश आगे बढ़ाने वाला अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ पर। और जब देवी उत्तरा ने देखा कि ये ब्रह्मास्त्र मेरी ओर आ रहा है, तब उत्तरा दौड़ते दौड़ते कृष्ण के पास आई। उस समय कृष्ण कहाँ थे, प्रयाणम रथम आरुहत। कल सुना आपने भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर से द्वारिका जाने के लिए रथ पर बैठ चुके थे। लगभग 6 महीने हो चुके थे कृष्ण द्वारिका से हस्तिनापुर आए और इस 6 महीने में कौरवों के साथ युद्ध करवाया, युद्ध विजय करवाया, 3 अश्वमेघ यज्ञ करवाए, बहुत कुछ कृष्ण ने सब कुछ सेट करवा दिया।
और फिर सबसे आज्ञा लेकर उद्धव और सात्यकी के साथ उस रथ में बैठे हैं। रथ चलने की देरी है, जैसे ही रथ चलने गया उसी समय श्रीमद् भागवत जी में कहते हैं, उतरा माँ उतरा दौड़ते हुए आई और उतरा उवाच, और उतरा कहने लगी, क्या कहती हैं, पाही पाही महायोगी देव देव जगत्पते नान्यं त्वद अभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम् यत्र मृत्यु परस्परम्। अर्जुन का एक पुत्र था, अर्जुन के एक पुत्र थे जिसका नाम था अभिमन्यु, और अभिमन्यु तो वीर गति को प्राप्त हो चुका, लेकिन उनकी पत्नी जीवित थी जिसका नाम था उत्तरा, और वह ब्रह्मास्त्र उत्तरा ने देखा मेरी ओर आ रहा है, तो उत्तरा दौड़ते हुए कृष्ण के पास आई। कृष्ण रथ पर बैठे हैं, दोनों हाथ ऊपर करके, पाही माम कृष्ण मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। तो मान लो यहां पर प्रश्न हो कि वहां तो बहुत सारे लोग खड़े थे, अन्य किसी को प्रार्थना न करते हुए देवी उत्तरा ने कृष्ण को ही प्रार्थना क्यों की? मानो आजकल के न्यूज चैनल वाले उत्तरा के पास माइक लेकर जाए कि माताजी आप वहां प्रार्थना क्यों करो, ये इतने सारे लोग खड़े हैं। तब उत्तरा इसका उत्तर, एक एक शब्द समझ, ये प्रसंग आपने अनेकों बार सुना होगा लेकिन इस बार कुछ हटके सुनोगे आप, थोड़ी सी गहराई में जाकर शब्दों का आस्वादन करते हुए। तो पाही पाही, पाही माने पाही माम, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। अच्छा, कृष्ण को ही रक्षा के लिए क्यों कह रही हैं? तो उत्तरा कहती है महायोगी, क्योंकि कृष्ण कैसे हैं, महायोगी है। हमारे बीच में भी एक योगी बैठा है, केनिया से, नैरोबी से, योगी राज, जिन्होंने योग कराया इस कथा का। तो योगेश भाई आपको पता है योगेश का अर्थ क्या होता है? योगी माने क्या, योगी किसे कहते हैं? देखो दो चीजें, एक तो है योगी और दूसरा है महायोगी। महायोगी तो फिर बाद में सुनेंगे, पहले योगी को समझ लीजिए, योगी किसे कहते हैं। हम तो बस योगी शब्द आते हैं तो रामदेव बाबा थोड़े से इमेजिन होते हैं कि दाढ़ी वाड़ी होगी, गेरुआ पहना होगा, बाल लंबे होंगे। योगी माने क्या? तो वंशीधर जी ने अपनी टीका में योगी का अर्थ बताते हुए बहुत सुंदर बात कही। ये योगी की डेफिनेशन है, आप नोट कर सकते हैं, ये बहुत रेयर ये सब सुनने को मिलता है। ये तो हमारे श्रोता सब और खास करके हमारे यजमान श्रद्धालु हैं और धैर्य से कथा सुन रहे हैं, इसलिए ये सारी बात विस्तार से कही जाती है। योगी, योगी की डेफिनेशन क्या है? तो कहते हैं, अनागत मतितम च वर्तमानम अतिन्द्रियम विप्रकृष्टम व्यवहितम सम्यक् पश्यन्ति योगिना सम्यक् पश्यन्ति योगिना। तो योगिना, योगी किसे कहते हैं? तो सुनिए, श्लोक में लिखा है अन आगतम अतीतम च। अन आगत, आगत माने आ गया, आगत माने जो आ गया है, लेकिन अन आगत माने जो पहले से आ चुका है, सॉरी, अन आगत माने जो जो नहीं आया है, अन आगत माने भविष्य, फ्यूचर। बोले फ्यूचर में जो होने वाला है, अन आगतम
और अतीतम, और अतीत माने भूतकाल, पास्ट टेंस, फ्यूचर में जो होने वाला है और भूतकाल में जो हो चुका है। च और वर्तमानम अतिंद्रियम, और वर्तमान में जो हो रहा है, मतलब अनागत, फ्यूचर में जो अभी तक नहीं आया, फ्यूचर में जो होने वाला है, भविष्य, भूतकाल और वर्तमान, तीनों कालों को विप्रकृष्टम व्यवहितम, माने विशेष रूप से, पूर्ण रूप से जो जानता है, सम्यक पश्यन्ति, मतलब सम्यक रूप से जो देख सकता है, भूत भविष्य और वर्तमान को अपनी आंखों से, अपनी इंद्रियों से जो सम्यक रूप से देख सकता है, स योगी नह, उसे योगी कहते हैं। अच्छा, यहां पर पहली लाइन में एक अंतिम शब्द लिखा है अतिंद्रियम, जो इंद्रियों से परे हैं, ऐसी चीज को भी देख सके, सामने है उसे तो देख ही पाए, लेकिन जो हमारे सामने घटना न घटी, नहीं घटी हो, उसे भी देख पाए, उसे भी समझ पाए, उसे योगी कहते हैं। सो कुल मिलाकर भूत भविष्य और वर्तमान को जो जानता है उसे योगी कहते हैं। लेकिन एक बात याद रहे, योगी जो होता है ना, वो केवल बाहर से होने वाली प्रक्रिया को, भूत भविष्य वर्तमान को देख सकता है। योगी केवल बाहरी भूत भविष्य वर्तमान की प्रक्रिया को देख सकता है, लेकिन यहां देवी उत्तरा कृष्ण को योगी नहीं, कृष्ण को महायोगी कह रही है। सो महायोगी कहने का अर्थ है कि हे कृष्ण, हे महायोगी, सूक्ष्म अर्थ दर्शिनत पाही। आप भूत भविष्य वर्तमान को तो देख सकते हो, लेकिन आप महायोगी हो, इसलिए भूत भविष्य और वर्तमान की सूक्ष्म वस्तु को, अंदरूनी घटने वाली वस्तु को भी आप देख सकते हो, इसलिए मैं आपकी शरण में आई हूं, पाही, इसलिए आप मेरी रक्षा करो। श्रीपाद वल्लभाचार्य ने बहुत सुंदर लिखा महायोगी शब्द के ऊपर, सुबोधिनी में वे लिखते हैं, हे कृष्ण, मम रक्षायाम सर्वथाम त्वम समर्थ, मेरी रक्षा करने में सर्वथा, सभी समय में आप मेरी रक्षा करने में समर्थ हो। इति सूचयंती संबोधयती हे महायोगिन इति, आप मेरी रक्षा करने में सर्व समर्थ हो, सभी जगह पर आप मेरी रक्षा कर सकते हो, इसलिए मैं आपकी शरण में आई हूं। भक्तों, इस संसार में यदि हमें किसी भी वस्तु से हमारी रक्षा चाहिए, तो अन्य सब को त्याग कर हमें भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि कृष्ण ही सर्वथा, सर्वत्र हमारी रक्षा करने में समर्थ है। कभी कभी हम लोग हमारे बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन आप कितना रख सकते हो? कभी कभी बच्चों का ध्यान रखते हैं, लेकिन कितना? बच्चों को 104 डिग्री बुखार आ गया तो एक डिग्री भी हम हमारे ऊपर ले सकते हैं? नहीं। बच्चे स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, हम कितना ध्यान रख सकते हैं, लेकिन यदि कृष्ण की शरण में गए तो कृष्ण सर्वत्र और सर्वथा हमारी और हमारे परिवार की रक्षा करने में समर्थ है। क्यों? क्योंकि वो महायोगी है। इसलिए हे महायोगी, मैं आपके शरण में। गुरुदेव भगवान, मेरा वृंदावन, परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज कहते हैं, महायोगी माने सर्व समर्थ, क्योंकि ये ब्रह्मास्त्र था, आगे वर्णन आएगा, ब्रह्मास्त्र को कभी फैल नहीं। आज भी हम लोग बोलते ना, भाई हमारा ब्रह्मास्त्र निकल गया है, मतलब वो वापस नहीं आ सकता। आजकल वाणी में भी लोग इस बात को जानते हैं। तो उत्तरा के ऊपर ब्रह्मास्त्र चल चुका था और उससे रक्षा होना इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। लेकिन महायोगी शब्द कहने का तात्पर्य है कि हे कृष्ण, आप महायोगी हो, सर्व समर्थ हो, कर्तुम अकर्तुम सर्वथा कर्तुम इति समर्थ, आप सब कुछ करने में समर्थ हो, तो आप ब्रह्मास्त्र से भी मेरी रक्षा कर सकते हो। इस प्रकार से देवी उत्तरा प्रार्थना करती है,
पाही पाही महायोगी, एक एक शब्द को समझना है, ठीक है। मैं जरा ये वाला कर दूं ताकि ऊपर हम मूल श्लोक को देख सकें और नीचे हम उनकी टीका समझ सकें। उतरो उवाच, उतरा ने कहा, क्या कहा, पाही पाही महायोगी। फिर आगे क्या कहती है, देव देव, हे कृष्ण कृष्ण मैं आपकी शरण में आई हूं, क्यों, क्योंकि देव देव कृष्ण आप देवताओं के भी देव है। देव देव का अर्थ क्या, उत्तरा क्या कहना चाहती है, वंशीधर जी इस आचार्य टीकाओं में लिखते हैं कि हे देव देव, ये भी संबोधन है, हे माने संबोधन करते हुए कहते हैं हे देव देव, त्वम तू देवानाम अपि देव इति भावः। कृष्ण का एक नाम है देव देव, कृष्ण को कह रही है देव देव, क्यों, क्योंकि उसका अर्थ नीचे लिखा है त्वम तू। अब तू शब्द न लिखा होता तो चल जाता, देखिए इसे कहते हैं रसास्वादन। ये सीधा संस्कृत में लिखा होता ना कि हे देव देव इति त्वम देवानाम अपि देव, लेकिन तू शब्द बीच में लिखा है, त्वम तू, तू माने निश्चित ही, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई दोराई नहीं है। और त्वम तू, तू माने आप ही, त्वम ही आप ही देवानाम अपि देव, आप ही देवताओं के देव हो। मानो भगवान श्री कृष्ण ने कहा होगा ना कि किसी देवताओं के पास चले जाओ, मेरे पास क्यों आ रही हो, मैं क्या करूंगा। तब माँ उत्तरा कहती हैं त्वम तू देवानाम अपि देव, क्योंकि प्रभु आप देवताओं के भी देव है, इसलिए हे देव देव, देव देव, इसलिए देवी उत्तरा कृष्ण को देव देव कहती है। तो बात भी सत्य है कि भगवान श्री कृष्ण देवताओं के भी देव। हम लोग कहते हैं कि स्वर्ग में रहने वाले देव, ठीक है, इंद्र देव, वरुण देव, चंद्र देव, लेकिन स्वर्ग में रहने वाले देव किसको देव कहते हैं, भगवान कृष्ण को, उसके ऊपर जो अथॉरिटी बैठी है वो कृष्ण है। और इसीलिए तो बिंदु सरोवर के तट पर गर्जना करते हुए कह दिया, मत भयाति वाति वातो यम सूर्य तपति मत भयात वर्षत इंद्र दहियत अग्नि मृत्युश्चरति मत भयात। भगवान कपिल देव का ये स्टेटमेंट कि हे मां, ये वायु क्यों बहता है तुम जानती हो, ये पवन देवता रेगुलरली वायु पवन बिल्कुल सबके नाक के पास ऑक्सीजन लाकर रख देते हैं, हमें केवल इतना करना है, है? तो ये कहां से आता है, तो भगवान कहते हैं मत भयात, मेरे भय से, मत भयात वाति वातो यम, ये हवा बह रही है मेरे भय से। वर्षत इंद्र, ये इंद्र जो वर्षा करता है ना, मत भयात, सूर्य रोज सुबह टाइम से आकाश में ड्यूटी पर आ जाता है, समय से अस्त होता है, क्यों, मत भयात, ये सब भगवान कहते हैं मेरे भय से। और यही बात भगवद गीता में लाखों लोगों के बीच में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कही, हे अर्जुन, ये जो तुम प्रकृति देख रहे हो ना, दुनिया के लोग कहते हैं प्रकृति ही सब कुछ है, प्रकृति हमें ये देती, प्रकृति ये देती है, बात सही है, लेकिन प्रकृति का बाप कौन है। तब कृष्ण ने कहा, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरन, हे अर्जुन, ये जो प्रकृति है, मई अधि अक्षेण, अक्ष माने आंख, ये प्रकृति मेरे आंख के इशारे पर चलती है, मेरे आंखों के इशारे से ये सूर्य चंद्र वरुण ये सब मेरे आंखों के इशारे पर चलते हैं। सो और कृष्ण ने ये करके भी दिखाया ना, वो जयद्रथ वाले प्रसंग में, जयद्रथ पाताल में जाकर छुप गया था क्योंकि अर्जुन की प्रतिज्ञा थी, अभिमन्यु को जयद्रथ ने छल कपट करके मारा था, बोले संध्या तक जयद्रथ को मार दूंगा नहीं तो मैं स्वयं ही आत्महत्या करके मर जाऊंगा। जयद्रथ को पता चलते ही पाताल में छिपा, अर्जुन ने पूरा दिन खोजा लेकिन जयद्रथ नहीं मिला, संध्या के समय अर्जुन स्वयं ही आत्महत्या करने गया। जयद्रथ ने देखा संध्या हो गई, अब तो युद्ध समाप्त हो गया होगा,
चलो जाकर देखे क्या हो रहा है। और जयद्रथ बाहर आया, उस रणभूमि में अर्जुन आत्महत्या कर रहे थे, जयद्रथ जोर जोर से हंसने लगा और उसी समय एक आश्चर्यमय घटना घटी। और घटना ये थी, जो बादल छाए हुए थे वो हट गए और आकाश में भगवान भास्कर सूर्य देवता प्रकट हुए। अर्जुन अवाक, अर्जुन कृष्ण की ओर देख रहे हैं। कृष्ण कहते, मेरी ओर क्या देख रहा है? अभी आधे घंटे पहले तो गीता सुनाई थी, श्लोक याद नहीं है? मयाध्यक्षेण प्रकृति सूर्यते सचराचरण, मैंने कहा था ये सूर्य चंद्र मेरे इशारे से काम करते हैं। तो अर्जुन, मैंने सूर्य को इशारा किया था, थोड़ी देर तुम अस्त हो जाओ ताकि दुश्मन बाहर निकले। तो दुश्मन बाहर आ चुका है। अर्जुन घड़ी में देख, दोपहर के 2:30 बजे हैं, दिन के 2:30 बजे हैं, देख, और दुश्मन तेरे सामने खड़ा है। उठा गांडीर और जयद्रथ का वध कर दे। और अर्जुन ने जयद्रथ का वध किया। कहने का अर्थ यह है, देव देव इति ही। यहां पर मां उत्तरा कृष्ण को देव देव कहती हैं। क्यों? क्योंकि देवताओं के भी ऊपर भगवान कृष्ण का स्थान है, देवताओं के ऊपर भी भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं। और मानो भगवान श्री कृष्ण के, तुम देवताओं के पास क्यों नहीं जाती? तब उत्तरा और एक जवाब देती है, नीचे आचार्यों के द्वारा लिखा है, आप आस्वादन कर सकते हैं। अतएव सत्कृत्य देव आराधित चरण कमल इति आयशेन पुनः संबोधयति हे देव देवेति। उत्तरा कहती है कि प्रभु, आपके जो चरण है वो देव आराधित, देवता भी आपके चरणों की आराधना करते हैं, देवता आपके चरण कमलों को अपने सिर पर चढ़ाकर शक्ति प्राप्त करते हैं, तो प्रभु मैं वाया वाया क्यों करूं, मैं सीधा आपके पास ही आ जाऊं? मैं देवता के पास जाऊंगी, वो आपके पास आएंगे और इसमें बीच में टाइम निकल गया। सो क्योंकि देवता आपके शरणों में है, इसलिए प्रभु देव देव। भक्तों, श्रीमद् भागवतम में एक बहुत सुंदर प्रसंग है। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंध में अभी जो ये जो प्रसंग चल रहा है ना, अभी उत्तरा, माँ उत्तरा आई है और कृष्ण को प्रार्थना करती है, फिर कृष्ण आगे उनके गर्भ की रक्षा करेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर माँ कुंता प्रार्थना भी करती हैं, वो सब कुछ आप सब जानते ही हैं। और फिर फाइनली भगवान श्री कृष्ण द्वारिका जाते हैं। और कृष्ण जब द्वारिका में पहुंचते हैं तो कृष्ण के अपने लोग, द्वारिका वासी कृष्ण को स्तुति करते हैं। और कृष्ण को स्तुति करते समय कृष्ण के चरणों की महिमा बताते हैं कि कृष्ण के चरणों की क्या महिमा। कौन बता रहा है? जो सबसे निकट रहते हैं ऐसे द्वारिका वासी। अब देखो, दुनिया के लोग तो प्रशंसा कर देते हैं, लाल गोविंद बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, गाते हैं, लेकिन इन लाल गोविंद के साथ घर पर जो रहते हैं उनको पूछो कि ये कितना क्रोध करता है, ये कितना डांटता है। कभी कभी होता है ना, बाहर के लोग तो प्रशंसा कर देते हैं लेकिन अपने लोग क्या कहते हैं। कभी कभी हम देखो ना, दूसरों की प्रशंसा करते हैं तो उन्हीं के परिवार वाले कहते हैं, आप लोग जानते नहीं हो, हमको पूछो इसके अंदर क्या है। देखो, अपने लोगों से प्रशंसा मिलना ये बहुत बड़ी बात होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म काशी में हुआ, याद रखिएगा, लेकिन काशी के पंडितों ने, ब्राह्मणों ने तो उनका बहिष्कार ही किया। उन्होंने रामायण लिखी अयोध्या सरयू जाकर। नरसिंह मेहता का जन्म जूनागढ़ में हुआ, जूनागढ़ लोगों ने गाली के अलावा कुछ नहीं दिया नरसिंह मेहता को। मीराबाई का जन्म मेवाड़ में, मारवाड़ में हुआ, क्या किया इन्होंने? साधु संतों का जहां जन्म होता है ना, तो जन्म भूमि वाले उन्हें पहचान नहीं पाते, वो उनको रिस्पेक्ट नहीं करते। तो भगवान श्री कृष्ण जहां के हैं, उस द्वारिका के लोगों का कृष्ण के प्रति क्या भाव है। चलो, कभी कभार अपने लोग दूसरों के लिए प्रशंसा कर देते हैं, लेकिन यहां तो और कोई खड़ा ही नहीं, केवल कृष्ण खड़े हैं और द्वारिका वासी खड़े हैं। और द्वारिका वासी भगवान श्री कृष्ण के चरणों की महिमा गाते हुए ये बहुत सुंदर बात बताते हैं, आपके सामने है।
नतास्मते नाथ सदांघ्रि पंकजं विरंचि वैरिंच सूरेन्द्रवंदितं परायणं शे ममिहे क्षतां परम् न यत्र काल प्रभवेत् पर प्रभो ये द्वारिका वासियों का स्टेटमेंट है जो 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 अपने लोग होते हैं ना वही अपने को अच्छे से समझ पाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण के बिल्कुल निकट रहने वाले लोग कृष्ण को क्या कहते हैं हे कृष्ण नतास्मते नाथ हे मेरे नाथ हे कृष्ण नता हम आपके सामने नतमस्तक है सारी द्वारिका आज कृष्ण के चरणों में नतमस्तक खड़ी है क्यों कृष्ण हम आपके चरणों में नतमस्तक खड़े हैं क्योंकि आपके चरणों की तीन महिमा है पहली महिमा कृष्ण आपके चरण सदा आप पहली लाइन में देख सकते हैं नतास्मते नाथ हम आपके चरणों में नतमस्तक हैं क्यों क्योंकि आपके चरण सदा 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 के लिए अंघ्री पंकजम आपके चरण कमल विरंचि वैरिंच सुरेंद्र वंदितम आपके चरण विरंचि विरंचि माने ब्रह्मा वैरिंचि माने ब्रह्मा के पुत्र शिव आपके चरण विरंचि ब्रह्मा वैरिंचि माने शिव सुरेंद्र माने इंद्र हे कृष्ण कृष्ण आपके चरण ब्रह्मा शिव और इंद्र के लिए भी सदा सदा पूजनीय है ब्रह्मा शिव और इंद्र भी सदा के लिए आपके चरणों की पूजा करते हैं ये हम जानते द्वारिका वासी कहते हैं अपने लोग तो गाली ही देते हैं लेकिन कृष्ण के अपने लोग एकांत में कृष्ण की भी इतनी महिमा गाते हैं ये पहली महिमा दूसरी परायणम क्षेम इच्छताम परम जो अपना परम क्षेम चाहते हैं अर्थात जो अपना परम कल्याण चाहते हैं उस परम कल्याण चाहने वाले लोगों के लिए परम श्रेय प्रदान करने वाला हे कृष्ण आपका ये चरण कमल है परम श्रेय प्रदान करने वाला आपका यदि हम हमारा कल्याण चाहते हैं तो कृष्ण के चरणों में वंदन प्रणाम आदि करना चाहिए और फिर तीसरी महिमा बताते हुए कहते हैं नयत्र काल प्रभवेत परह प्रभु हे कृष्ण आपके चरणों में काल का प्रभाव कभी नहीं पड़ता और दूसरी बात आपके चरणों का जो आश्रय लेता है उसके जीवन में भी काल का प्रभाव नहीं होता ये काल जो हम सबको खत्म कर रहा है ये काल जो हमारे लिए बहुत बड़ी दुर्गति बनकर बैठा है लेकिन कृष्ण के चरणों में नयत्र काल प्रभवेत काल का प्रभाव नहीं चलता सो कृष्ण के चरणों में काल का प्रभाव नहीं इसलिए कृष्ण की शरण जिसने ग्रहण कर ली है उसके जीवन में भी काल का प्रभाव नहीं रहता इसलिए माँ कुंता कहती है माँ उत्तरा कहती है हे कृष्ण देव देव आप देव के भी देव हो देवता भी आपके चरणों की उपासना करते हैं इसलिए मैं आपकी शरण में आई हूं वंशीधर जी ने एक प्रश्न उठाया वंशीधर जी ने कृष्ण के मुख से कुछ बुलवाया मानो कृष्ण देवी उत्तरा को कहे वंशीधर जी कहते हैं ननु देव देव इंद्रो अरे उत्तरा तुम मुझे देव देव कहती हो तो देवताओं का देव तो इंद्र है या फिर देव देव महादेव या फिर देवताओं का देव महादेव शिव है
एक दृष्टि से देवताओं का देव इंद्र है, किसी अन्य दृष्टि से देवताओं का देव महादेव शिव है। तो वहां अस्ति न अहम इति चेत, तो फिर मुझे क्यों देव देव कहते हो? उतराने का ठीक है भाई, आप जीते और मैं हारी, ठीक है, देव देव नहीं तो आप जगत पते हो। देव देव यहां पर लिखा है जगत पते हैं। माता उत्तरा कहती है पाही पाही महायोगी, देव देव जगत पते। कृष्णा आप देवताओं के देव तो हो ही, आप मानो या न मानो, लेकिन आप पूरे जगत के पति हो। जगत पते का अर्थ क्या लिखा वीर राघव आचार्य ने, ये श्री संप्रदाय के आचार्य हुए, वे कहते हैं जगत पते निखिल जगत त्रात। माँ उत्तरा कहती हैं कि आप पूरा जगत चलाने वाले ईश्वर हो। इस संसार का सर्जन, इस संसार का पालन, इस संसार का प्रलय हे कृष्ण एकमात्र आप ही करते हो। मानो श्री कृष्ण कहे कि संसार का सर्जन तो ब्रह्मा करता है, पालन तो विष्णु करते हैं और प्रलय शिव जी करते हैं। तब माँ उत्तरा कहती है कि प्रभु बाहर से तो ये तीनों करते हैं लेकिन किसकी आज्ञा से? ये ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं तो आपसे ज्ञान लेकर ही तो सृष्टि करते हैं। शिव जी संसार का प्रलय करते हैं तो आपकी आज्ञा से संसार का प्रलय करते हैं। सो कुल मिलाकर देव देव जगत पते, जगत के पति, जगत के ईश्वर आप हो। और बहुत सुंदर कहती है जगत पालकस्य तव, प्रभु आप जगत का पालन करने वाले हो तो क्या अब पूरे दुनिया का पालन कर सकते हो? सो स्व भक्तम रक्षा, जब आपका भक्त किसी मुसीबत में है, परेशानी में है, तो आवश्यकीति सूचयंती। ये जगत पते शब्द बोलकर माँ उत्तरा कृष्ण को एहसास करा रही है कि जगत का पालन करने वाले हो तो आज आपको अपने भक्त का पालन करना चाहिए, अर्थात प्रभु आज आपको मेरी रक्षा करनी चाहिए। इसलिए पाही पाही महायोगी, देव देव जगत पते। तो मानो भगवान श्री कृष्ण कहे कि उत्तरा यहां तुम्हारे ससुर जी खड़े हैं। उत्तरा के ससुर कौन? अर्जुन। अर्जुन खड़े हैं, युधिष्ठिर खड़े हैं, भीम, नकुल, सहदेव, इतने बड़े बड़े योद्धा खड़े हैं और ये बड़े बड़े योद्धा कुछ ही मिनटों में हजारों को मार सकते हैं। और अभी अभी कुरुक्षेत्र के रणांगन में कौरवों के ऊपर विजय प्राप्त करके आए हैं। मैं तो बांसुरी बजाने वाला ग्वाला, मुझे तो ये सब प्रैक्टिस भी नहीं है, ये लोग तो बिल्कुल एक्सपीरियंस योद्धा है। मानो कृष्ण कहे कि उत्तरा तुम इन लोगों के पास जाओ, मेरे पास क्यों आई? तब दूसरी लाइन में उत्तरा कहती है नान्यम त्वद अभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे कृष्ण आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये जो मेरे ससुर जी है, ये पांडव गण, ये योद्धा, ये एक दूसरों को मार सकते हैं। यत्र मृत्यु परस्परम, यदि एक सेकेंड में हजारों को मारने कहा जाए तो वो हजारों को मौत के घाट उतार देंगे, लेकिन न अन्यम त्वद अभयम पश्ये, लेकिन ये अभय नहीं दे सकते, ये जीवन दान नहीं दे सकते। कृष्ण जीवन दान तो एकमात्र आप ही दे सकते हैं। ये लोग एक दूसरों को मार सकते हैं लेकिन मरे हुए को जीवित हे श्याम सुंदर एकमात्र आप ही कर सकते हैं। ब्रह्मास्त्र चल चुका है और लगभग ऑलमोस्ट हमारी मृत्यु हो चुकी है, मौत के मुख से हमको बाहर निकालना है कृष्ण, ये कार्य एकमात्र आप कर सकते हैं। सो कृपया करके आप हमारी रक्षा कीजिए। इस प्रकार देवी उत्तरा भगवान श्री कृष्ण में बिलख रही है, कृष्ण के चरणों में बार बार निवेदन कर रही है। लेकिन कृष्ण ने कहा कि तुम बारंबार कह रहे मेरी रक्षा करो रक्षा करो, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। एक्चुअल तुम्हें तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम क्या है? तब देवी उत्तरा कहती है अभी द्रवति मामीश
शरस्तप्त पायसो विभो, उत्तरा अपनी प्रॉब्लम को एक्सप्लेन कर रही है। क्या प्रॉब्लम है? अभिद्रवती, अभिद्रवती माने मुझे जला रहा है। क्या जला रहा है? शरस्तप्त पायसो मतलब लोहे के समान, लोहे का बना हुआ भयंकर बाण, बिल्कुल लाल लाल अग्नि उगलता हुआ मेरी ओर आ रहा है। तो हे कृष्ण, हे माम, कितना सुंदर शब्द है, अभिद्रवती माम ईश, हे मेरे ईश्वर। माम ईश माने हे मेरे ईश्वर, आप ईश्वर हो। ब्रह्मास्त्र को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन आप ईश्वर कंट्रोलर हो, आप पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकते हो, तो ब्रह्मास्त्र भी आपसे कंट्रोल हो सकता है। हे मेरे ईश्वर, हे मेरे विभो, कृपया करके आप मेरी रक्षा करो। तो अब एक घड़ी के लिए भगवान कृष्ण उत्तरा की परीक्षा लेने जा रहे हैं। मानो कृष्ण उत्तरा से कहे कि उत्तरा, तुमको जीने की इतनी लालसा क्यों है? तुमको जीने की इतनी कामना क्यों है? तुम्हारे पति संसार में है नहीं, तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई है, और पति की मृत्यु के बाद वैसे ही पत्नी के जीवन में कोई सुख नहीं होता। तो कदाचित अश्वत्थामा के इस ब्रह्मास्त्र से तुम्हारी मृत्यु हो भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है, मर जाओ ना। रामायण में साक्षात सीता जी ने कहा, मां सीता कहती हैं, जीव बिनु देह नदी बिन वारी, ऐसे ही नाथ पुरुष बिन नारी, प्राण नाथ तुम बिनु जग माही, मोते कछु सुखद कछु नाही। सो पति तुम्हारे पति नहीं है, तुम मर जाओ क्या फर्क पड़ता है। उत्तरा ने बहुत बड़ी बात कर दी, पितृ पक्ष यहां पर आ रहा है, पितृ की महिमा यहां उतर रही है। क्या कहती है मां उत्तरा? कामम, हे कृष्ण, कामम दहतु माम नाथ। काम माने भले, दहतु माने जलाकर राख कर दे। हे कृष्ण, कामम भले दहतु माम, मुझे भले जला दे। हे नाथ, ये ब्रह्मास्त्र मुझे भले जला दे, मैं भले मर जाऊं, लेकिन आपके चरणों में एक ही प्रार्थना है, मामे गर्भो निपात्यताम, बस आप मेरे गर्भ में जो बच्चा है, आप मेरे बालक की रक्षा कर लीजिए, हम भले मर जाए, हमारे जीने मरने से हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हे श्याम सुंदर, हे कृष्ण, आप मेरे बच्चे की रक्षा कर लीजिए, आप मेरे बेटे को बचा लीजिए, मेरे पेट में, मेरे गर्भ में एक बालक है। भक्तों में कई बार सोचता हूं कि मां उत्तरा यदि इस प्रकार से कृष्ण के सामने प्रार्थना नहीं की होती तो आज इस देश को परीक्षित नहीं मिला होता, आज इस संसार को भागवत नहीं मिला होता। एक मां अपना जीवन दाव पर लगा रही है कि मैं भले मर जाऊं लेकिन मेरे बालक को जिला दीजिए। भक्तों, ये है पितृ महिमा। पता नहीं मां के हृदय में ये प्यार कहां से प्रकट होता है। बिल्कुल उस गर्भ में रहने वाले बालक ने न कोई सेवा की है, न कोई समर्पण किया है, लेकिन फिर भी मां का उस गर्भ में, पेट में रहे हुए बालक से इतना प्यार कि खुद मरने के लिए तैयार, लेकिन आप इसकी रक्षा कर लीजिए, मैं रेडी हूं मरने के लिए। कामम दहतु माम नाथ, मैं भले जल जाऊं मर जाऊं, लेकिन मां में गर्भो निपात, मेरा गर्भ नहीं मरना चाहिए। इस प्रकार से एक मां का ये भाव होता है। भक्तों, आज हमारे हितेश भाई की माता जी का की पुण्यतिथि है ना, हमारे जया बहन जेठवा की आज पुण्य स्मृति है, और आज योग से ही ये माता का प्रसंग आया है। माता की बड़ी महिमा, हमारे पितरों की बड़ी महिमा है। आजकल के बच्चे कहते हैं, माँ बाप ने क्या दिया है? जब हम छोटे थे तो हर एक मंदिर की चौखट पे चढ़ चढ़ कर माँ बाप अपना नाक रगड़ते हैं कि हमारा कुछ भी हो जाए लेकिन हमारे बच्चों का ध्यान रखिएगा,
माँ का ये। अरे गुजरात ना संतो ये तो कीधु मोढ़े बोलू माँ ता तो मने मारू नानपण सांभरे, मोढ़े बोलू माँ तो मने साचे ही नानपण सांभरे, पछी ऑस्ट्रेलिया नी मजा के केनिया नी मजा मने कड़वी लागे कागड़ा। समृद्धि बहुत हासिल कर ली, बहुत बहुत धन और संपत्ति का ढेर खड़ा कर दिया, लेकिन जब मुख से माँ शब्द निकलता है ना तब बचपन याद आती है, और उस माँ के गोद में जो हम खेले हैं, उंगली पकड़कर जिस माँ ने चलना सिखाया, उस माँ की ममता याद आती है। हमारा कवि काग बापू एवं लखे के मोते नायडू मांडियू ने जम जड़ापा खाए तो ही एने छोरनी चिंता थाय, एने केम विसरिये कागड़ा। भगत बापू एवं लखे के कोई माँ मृत्यु का समय निकट आया हो और मरते समय बहुत बहुत वेदना सहन करनी पड़ रही है, और यमराज के दूत भी परेशान उस मां के हृदय से प्राण नहीं निकल पा रहे, और उस समय उस मां को कोई पूछे कि भाई आपके हृदय से प्राण क्यों नहीं निकल रहे हैं, आपके शरीर से प्राण क्यों नहीं निकल रहे हैं, तब मां यही कहती है कि मुझे मेरे बच्चों की चिंता हो रही है, मैं कैसे उनको भुला सकती हूं। इस दुनिया में सभी वस्तु का तोल मोल हो सकता है, इस संसार में सभी वस्तु का भाव लगाया जा सकता है, लेकिन एक वस्तु जिसको तराजू पर तोला नहीं जा सकता। त्राजू वे तोल तोलाय नहीं, अनता तणे घाट घड़ाय नहीं, आखा ब्रह्मांड मा मूलवाय बधूं, पण माना हैया ने मूलवाय नहीं। ए आखा ब्रह्मांड मा मूलवाय बधू, पण माना हैया ने मूलवाय नहीं। तराजू पर आजकल तो सब कुछ तोला जा रहा है ना, लेकिन मां के हृदय को नहीं तोल सकते। पर आज इस श्राद्ध पक्ष में पितृ पक्ष में माना हैया ने प्रणाम करूं, एवा माना हैया ने प्रणाम करूं, इना हैया ने हेते समान धरूं, एवा माना हैया नी हूं वात करूं, एवा माना हैया नी हूं वात करूं। ऐसे माता के हृदय को सम्मान देते हुए, माँ की ममता का स्मरण करते हुए इस पावन पितृ पक्ष में आइए हम पितृओं के माता के कुछ गुण का स्मरण करें। किसी कवि ने लिखा कि वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं, लेकिन इस 52 अक्षर में यदि माँ अक्षर न हो तो ये 52 के 52 अक्षर अधूरे हैं। हमारे गुजरात में एक ऐसी कहावत है कि किसी का बाप मरे तो ठीक है, लेकिन किसी की माँ न मरनी चाहिए। भगवान ने सोचा कि संसार में इतने सारे जीव हैं, मैं किस किस के घर पर जाऊंगा। जब ईश्वर ने सबके घर पर जाने में अपने आप को असमर्थ समझा, तब उस ईश्वर ने अपना ही एक स्वरूप मां के रूप में सभी घर में रख दिया। मां और कोई नहीं, मां की ममता और कुछ नहीं, ये ईश्वर ही मां के रूप में इस धरती पर उतरता है। हमारे गुरुदेव के मुख से हमने अक्सर सुना है कि भगवान को तो हमने आंखों से देखा नहीं प्रत्यक्ष रूप से, भगवान के प्रेम को हमने कभी प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं, लेकिन भगवान कैसे होंगे, भगवान
अपने भक्तों से कैसे प्रेम करते होगे? यदि ये देखना हो, ये जानना हो ना, तो अपनी माँ को देख लेना, अपनी माँ की माया और ममता को देख लेना। बिल्कुल निस्वार्थ भाव से अपना तन तोड़कर पूर्ण मेहनत से, जैसे बच्चों के प्रति भाव और समर्पण होता है, वही भगवान का है। एक दिन एक माँ, गरीब माँ, जिनके पास इतना कोई समृद्धि धन संपत्ति आदि नहीं थी, उनके पति भी नहीं थे, छोटा सा बच्चा था और उस बालक का जन्मदिन था, तो माँ दुकान में गई और कुछ मिठाई लेकर अपने बच्चे को लेकर मंदिर में गई, और मंदिर में जाकर वह मिठाई उस मंदिर के पुजारी को देने लगी, साधु महाराज को देने लगी। महाराज महाराज, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, ये मिठाई आपके लिए लाई। मंदिर के उस महात्मा ने कहा कि माते माते, आज मेरा व्रत है, आज मेरा नियम है, ये मैं मिठाई आज नहीं खा सकता। और उस दिन बहुत बड़ा अफसोस करते हुए उस माँ ने कहा था कि हम गरीब के भाग्य तो फूटे हुए, और इतने भाग्य फूटे हुए कि बच्चे के जन्मदिन के अवसर पर हम साधु की सेवा भी नहीं कर सकते। जब यह अफसोस उस साधु ने सुना ना, साधु ने कहा, ला माँ ला, मुझे तू मिठाई दे दे, मैं मिठाई खा लूंगा। उस माँ ने कहा कि आपका तो व्रत है, नियम है। साधु इतना ही बोला कि मेरा व्रत भले टूट जाए, लेकिन भारत की माँ का दिल नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि इस माँ का यदि दिल टूटा तो ये प्रकृति अपने स्थान पर नहीं रह सकती, ये धरती अपने स्थान पर टिक नहीं सकती, क्योंकि माँ का दिल बहुत महान होता है। कथा से आपको इतना ही कि हमारे व्रत भले टूट जाए, हमारे नियम भले टूट जाए, लेकिन जीवन में कभी माँ का दिल मत तोड़िएगा, क्योंकि माँ का दिल टूटा कहीं के नहीं, प्रकृति हमें सहन नहीं कर पाएगी। ऐसी माँ अपने बेटे को बड़ा करती है। और एक दिन फिर से बेटे का जन्मदिन आया और रात को 12 बजे उस माँ ने अपने बेटे को जगाया, बेटा बेटा उठ। और रात को 12 बजे आंखें ऐसे चोलते हुए बेटा खड़ा हुआ। बेटे ने डांटते हुए कहा कि माँ तूने मुझे क्यों जगाया? माँ ने कहा, बेटा बेटा आज तेरा जन्मदिन है और मैं तुझे जन्मदिन की शुभकामना देना चाहती थी। वो बेटा डांटते हुए कहता है कि माँ तू मुझे सुबह नहीं बता सकती थी? तूने मुझे मेरी नींद बिगाड़ दी, तूने मेरी नींद खराब कर दी, ये बात तू मुझे सुबह भी बता सकती थी? उस समय उस माँ ने इतना ही कहा कि बेटा बेटा तू विचार कर, आज तेरी थोड़ी सी नींद बिगड़ी तो तू इतना परेशान है। जिस दिन 9-9 महीने तक तू मेरे गर्भ में था, मेरे 9 महीने की नींद बिगड़ी होगी तो मैं कितनी परेशान हुई होगी। 9-9 महीने तक माँ परेशान होती है, चैन से सोती नहीं, और फिर बालक को जन्म देती है, लेकिन वही बालक बड़े होकर अपनी माँ की ममता और माँ का भाव और माँ का ऋण समझ नहीं पाता है। भगवान अपने धाम में बहुत खुश थे, बहुत प्रसन्न थे, लेकिन उस भगवान श्री कृष्ण को भी अपनी माँ के साथ लीला करने की इच्छा हुई, तो वह कृष्ण भी इस धरती पर प्रकट हुए और बहुत सुंदर माटी खाने की लीला हम सब जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने माटी खाई है? और माँ यशोदा ने कहा, कृष्ण माटी खाई, कृष्ण अपना मुख नहीं खोल रहे थे, माटी खाई। बार बार माँ कृष्ण का मुख खुलवाना चाहती थी, लेकिन कृष्ण अपना मुख नहीं खोल रहे थे। तब नारद मुनि ने माँ यशोदा को कहा कि इसको माँ बोलने के लिए कहो, फिर देखो तुरंत मुंह खोलेगा। तब यशोदा ने कहा कि कृष्ण मैं तेरी कौन हूं? तब कृष्ण के मुख से निकला माँ। और जैसे ही माँ बोलते हुए कृष्ण का मुख खुला, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड कृष्ण के मुख में उस माता ने देखा। और माँ यशोदा कहती हैं कि बस इनका मुंह बंद करो, मुझे ईश्वर नहीं चाहिए,
मुझे मेरा बेटा चाहिए। भक्तो, मां चाहे तो अपने पुत्र को शूरवीर बना दे और मां चाहे तो अपने पुत्र को सन्यासी बनाकर भेख पहना दे। शिवाजी को हाथ में तलवार देकर रण संग्राम में भेजकर प्रतिज्ञा करवाने वाली एक मां थी कि बेटा तूने यदि मेरा दूध पिया है तो दुश्मनों को मौत के घाट उतार देना और जीत कर ही वापस आएगा मेरा शिवा। इस संसार में शूरवीर पैदा करने वाली मां या फिर गोपीचंद और भरतहरि जैसे वन में सन्यास देने वाली एक मां। भक्तों, आज मुझे अभी अभी पता चला हमारे हितेश भाई की माता जी का, जया माता का आज पुण्य तिथि है। तो आइए मैं ऐसी ही एक माँ के ममता की कथा कहकर आज के सत्र को विराम करूं। हमारे लोक में भजनों में इसे गाया जाता है। एक माँ थी और उस माँ का एक छोटा सा बेटा था। अपने छोटे से बेटे से बहुत लाड़ प्यार करती और लाड़ प्यार करके उस बेटे को बड़ा करती। जीवन में कोई इतनी समृद्धि नहीं थी, धन संपत्ति नहीं थी। कभी कभी माँ स्वयं भूखी रह जाती, स्वयं भूख को सहन करती और अपने बेटे को खिलाती थी। माँ वलडी जाने गा वलडी, खाई बट कुई दिवसो काढ़ती हती, जेम तेम करी अंगड़ाई ढाकती हती, तो ये दिकराना नेणाई ठारती हती, जेम तेम करी अंगड़ाई ढाकती हती, तो ये दिकराना नेणाई ठारती हती। कवि कहते हैं कि माँ वलड़ी जेम गावलड़ी, गावलड़ी मैंने गाय। माँ अपने बेटे की रक्षा सेवा जैसे गाय अपने बछड़े की सेवा करती है। गाय अपने बछड़े को जन्म देकर उस बछड़े के शरीर में जो गंदगी लगी होती है अपनी जीवा से चाट कर उसे साफ करती है। एक सेकंड के लिए भी गाय को घृणा नहीं होती। बचपन में जब बालक छोटा होता है तो गंदगियों से भरा हुआ होता है और रात दिन माँ उनकी गंदगी को साफ करती है, उनको घृणा नहीं होती। और वही माता पिता जब बूढ़े होते हैं और बूढ़े होकर उनका शरीर असमर्थ होता है तब बच्चे उनको रखने के लिए तैयार नहीं होते हैं। सो माँ की महिमा, रात दिन अपने बेटे का पालन करती, पोषण करती, धीरे धीरे उस बेटे को बड़ा करती। क्यों? क्योंकि उस बेटे के जीवन में ही, बेटे के अंदर ही मां की पूरी दुनिया समाई हुई थी। और एक दिन उस मां के जीवन में दुर्घटना घट गई। और वह दुर्घटना क्या थी? एक दिन उनके पति की मृत्यु हो गई। कहते हैं, हतो वालो ते वेळ वळावी गयो, हतो वालो ते वेळ वळावी गयो, एनो पति देव स्वर्गे सीधावी गयो, वन वगड़ा मा एने रजळावी गयो, वन वगड़ा मा एने रजळावी गयो। पति की मृत्यु हो गई और पति की मृत्यु के बाद तो नीचे धरती ने ऊपर आब तो इन चारे कोर अंधकार हतो, भर जुवानी नो पड़कार हतो, भर जुवानी नो पड़कार हतो। पति की मृत्यु हो गई और उम्र अभी जवान है, बहुत लंबी उम्र जीना बाकी है। कुछ देर के लिए इस स्त्री को हुआ कि मैं भी अपने पति के पीछे आत्महत्या करके मर जाऊं,
क्योंकि पति के नहीं रहने के बाद इस दुनिया के और समाज के कुएं में तैरने तो अच्छा है कि इसी में डूबकर हम मर जाए। पति पाछळ एने मरवूं हतूं, शब्द के ऊपर ध्यान दीजिएगा, दिल को दहलाने वाली घटना है। पति पाछळ एने मरवूं हतूं, तेम छताई एने जीववूं पड़तूं हतूं। कारण एना खोळामां बाळक रमतूं हतूं, एना खोळामां बाळक रमतूं हतूं। पति के पीछे मरना था, जीने की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन फिर भी जीना पड़ा। क्यों? क्योंकि उनके गोद में एक बालक खेल रहा था। यदि मैं मर गई तो इस बालक का कौन ध्यान रखेगा, इस बालक को कौन बड़ा करेगा? अब तो वह मां विधवा हो गई और अब तो जीवन में बहुत परेशानियां होने लगी। जैसे तैसे यहां वहां से कुछ ना कुछ जुटाकर अपने बालक का ध्यान रखती। शरीर में दूध नहीं होता, फिर भी अपने बेटे को दूध पिलाती। भरे बटका बालक ते मछता, हसती घूमती दूध पाती हती। निज जण्याना प्यार मा तन तोड़ी, मन दई नहीं एने भणावती हती। भूख सही ने आसुड़ाई खाड़ती हती, अभिलाषा मा दिवसो काढ़ती हती। पोते बड़ी ने बीजा ने उजाड़ती हती, पोते बड़ी ने बीजा ने उजाड़ती हती। भूख सहन करती थी और अपने ही आंसुओं को पी जाती। जीवन में कष्ट तो था लेकिन किसी को बताती नहीं थी। कभी भोजन न मिले तो स्वयं भूखी सो जाती, कभी किसी को कोई कंप्लेंट नहीं, कभी किसी को कोई बताती नहीं थी। क्यों? क्योंकि एक कवि ने लिखा है कि दुनिया के लोगों की सहायता लेने से तो अच्छा है हम किसी की सहायता न ले, और सहायता लेनी ही है तो ईश्वर की सहायता ले। आलोक ना सागर मही कोई नाव थी तर शो नहीं, दो रंग निया दुनिया मा धोखा कदी कर शो नहीं। सीता ने घोर जंगल मा अमे पुत्रो जणाव्या छे, श्री कृष्ण ने भील ना बाणे अमे पोते हणाव्या छे। कलम ध्रुजे छे लखता अमारा पाप पोथीनी, कलम ध्रुजे छे लखता अमारा पाप पोथीनी। महात्मा संत मोहन ने अमे पोते हणाव्या छे, महात्मा संत मोहन ने अमे पोते हणाव्या छे। माटे आ लोकना सागर मही कोई नाव थी तरशो नहीं। समाज तो समाज है भक्तों। कवि कहता है कि जिस समाज में हम उठते बैठते हैं, इसी समाज ने तो सीता को वन में भेज दिया था ना,
जिस सीता के लिए राम ने समुद्र पर सेतु बांधा, वानरों से मित्रता की, रावण का वध किया, उस अपनी प्यारी सीता को वन में किसके कारण? समाज के कारण। इसी समाज ने सीता को वन में भिजवाया और इसी समाज ने कृष्ण के चरणों में वह भील के हाथों से बाण लगवाया। कवि की कलम कांप रही है यह लिखते हुए कि इसी समाज ने विश्व वंदनीय संत महात्मा करमचंद मोहन गांधी, गांधी बापू को ही इसी समाज ने ही तो मारा है। अब ज्यादा समय भी हो चुका है, आगे विस्तार न करते हुए मैं इस कथा को संक्षिप्त करूं। तो ये माँ विधवा हो गई, धीरे 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 दिन दुगनी रात चुगनी बच्चा बड़ा होता गया, लाड़ प्यार से अपने बेटे को बड़ा किया, स्कूल में जितना हो सकता था उतना पढ़ाने लिखाने का प्रयास किया, लेकिन एक गलती हो गई, वह लड़के की गलत संगति हो गई, वह लड़का इस माँ का वह लड़का गलत संगति में फंस गया। अच्छे सज्जनों की संगति में होता तो जीवन बहुत अच्छा हो जाता। किसी भी व्यक्ति के जीवन का आधार उनका संग, उनकी संगति, एसोसिएशन है। गलत संगति हो गई, नशा करने लगा, शराब पीने लगा, मांस खाने लगा, जुआ खेलने लगा, और फिर ये बालक एक स्त्री के प्रेम में पड़ गया। वो कन्या, वो स्त्री, वो लड़की अच्छी होती तो अच्छा, लेकिन वो कुलटा नारी थी, नृत्यांगना के प्रेम में फंसा। अब माँ रोज उनकी राह देखे, कभी रात को देरी से आए, कभी घर पे ही न आए, जैसे तैसे अपना घर चलाती। एक तो पति नहीं होने का कष्ट, पुत्र को बड़ा करने का कष्ट, ऊपर से ये पुत्र बिगड़ गया। कहाँ गया होगा मेरा पुत्र, कहाँ गया होगा। धीरे धीरे दिन बीतने लगे और ये लड़का उस स्त्री के चक्कर में ऐसा फंसा। जब भी वो उस स्त्री से मिलता तो अपनी माँ की बात करता कि मेरी माँ ऐसी है, मेरा ध्यान रखती है। एक दिन इस लड़के ने उस स्त्री को कहा कि अब हम विवाह कर लेते हैं, मेरे साथ विवाह कर ले। उस स्त्री ने कहा कि मुझे तुझ पर भरोसा नहीं है। विवाह करने के बाद तू रोज माँ का नाम लेता है, माँ को याद करता है, तू मेरा ध्यान रखेगा कि नहीं, मुझे तुझ पर विश्वास नहीं। इस लड़के ने कहा तो विश्वास दिलाने के लिए क्या करूं। वह स्त्री नारी कठोर हृदय करके उस लड़के को कहती है कि मैं तुझसे तब विवाह करूंगी यदि तू अपनी माँ का कलेजा निकाल कर मेरे पास लाएगा। खुद अपनी माँ को मारकर उनका कलेजा यदि मेरे पास लेकर आएगा तो मैं तुझ पर विश्वास करूंगी और तुझसे विवाह करूंगी। और ये तो नशे में चूर था, नशे में चूर, दाढ़ी बढ़ गई है, शरीर का कोई ठिकाना नहीं है, और हाथ में खंजर लेकर उस दिन रात को अपने घर पर आया। दिन भर माँ ने अपने बेटे की राह देखी, रात का समय हुआ, बेटे की राह देखते देखते माँ को नींद लग गई, आंख लग गई, और उसी समय शराब के नशे में चूर, हाथ में खंजर, और वो लड़का घर पर आया और सोती हुई माँ के शरीर में उस खंजर का वार किया और उस पेट को फाड़कर कलेजा निकाल दिया। शराब के नशे में द्रुत वो माँ का कलेजा हाथ में लेकर उस स्त्री के पास जाने के लिए दौड़ने लगा। उस घर की दहलीज पर ठोकर लगी और वो लड़का गिर गया, और जब वो लड़का गिरा तो माँ के कलेजे में से आवाज आई, बेटा धीरे, बेटा संभल कर, कहीं तुझे चोट न लग जाए। जब इस प्रकार से माँ को मार देने के बाद, कलेजा निकाल लेने के बाद कलेजे से भी अभी भी यही आवाज है कि बेटा संभल कर, तू गिर जाएगा, तू जब छोटा था तब गिरा था, तुझे लगा था, मुझे 6 महीने तक इलाज करना पड़ा था, बेटा धीरे से। इस प्रकार माँ के उद्गार जब इस बालक के कान में गए, माना उद्गारो ज्या काने पड़िया,
त्यां तो अंतर ना द्वारो उघड़ी गया, माना उद्गारो ज्यां काने पड़िया, अंतर ना द्वारो उघड़ी गया। नैण श्रावण भाद्रवनी तरिया, नैण श्रावण भाद्रवनी तरिया। माँ के उद्गार जब कान में गए तो हृदय का कपाट खुल गया, बुद्धि आ गई, दिमाग ठिकाने पर आया, ओह ये मैंने क्या कर दिया। शराब के नशे में द्रुत होकर एक स्त्री की बातों में आकर मैंने मेरी मां को ही मार दिया। बहुत अफसोस करने लगा, भयंकर अफसोस करने लगा। जेने जन्म दीदो एनो जीव लीदो, जेने जन्म दीदो एनो जीव लीदो, जेने जन्म दीदो एनो जीव लीदो। धन्य मावलड़ी तने धिक हो मुझे, धन्य मावलड़ी धिक हो मुझे। आय दूड़ पड़ी आ जीवन मा, आय दूड़ पड़ी आ जीवन मा, भूलो भान हूँ पेली नागण मा। कया मोडे हूँ जीवू आ जग मा, कया मोडे जीवू हूँ आ जग मा। वो अफसोस करने लगा कि ये मैंने क्या कर दिया। जिसने जन्म लिया मैंने उसी का प्राण हर लिया, और मैंने उनको मारा, फिर भी उन्होंने मुझ में दोष नहीं देखा, और मरने के बाद भी मेरा ख्याल रख रही है। अफसोस अफसोस अफसोस, हाय धूड़ पड़ी आ जीवन मां, भूलो भान हूं पहली नागण मां। एक स्त्री के वश में होकर मैं इतना पागल हो गया, इतना अंधा हो गया। इस प्रकार से ये आदमी अफसोस कर ही रहा था, तब तक तो वो स्त्री वहां पर आई। वो स्त्री ने देखा कि मैंने इसको भेजा है, अब तक नहीं आया, इस लड़के को आने में देरी क्यों हो गई, आज मुझे देखना है कि मेरा प्रेम जीतता है कि उसके मां की ममता जीतती है। वो स्त्री देखना चाहती थी, इसलिए वह कुलटा व नृत्यांगना व नारी चलते हुए इस लड़के के घर पर आई, और लड़का हाथ में खंजर है, लुह लुहान और अफसोस कर रहा है। ए तारा पालवड़े मारी भूख हरी, तारा पालवनी चे में ऊंघ करी, तारा पालव नीचे में ऊंघ करी, तारा पालवड़े मारी भूख हरी। खंजर हाथ में लेकर अफसोस कर रहा था कि जिसके पल्लू के नीचे मैंने नींद की थी, जिनके पालव ने मेरी भूख हरी थी, आज मैंने उसी मां को मार दिया। बुद्धि आई, और उस समय वो स्त्री पहुंच चुकी थी, और अपनी मां को मारने का इतना अफसोस, वो जो खंजर हाथ में था वो खंजर उस लड़के ने अपने ही सीने में डाल दिया। और जैसे ही वो खंजर अपने शरीर में डाला, और उसी समय त्या तो रक्त निरेलम छेल थई, त्या तो रक्त निरेलम छेल थई, त्या दीकरानी पण लाश पड़ी, माना रक्तना रेलामा जाय भड़ी, माना रक्तना रेलामा जाय भड़ी। पुत्र की भी मृत्यु हो गई,
उनके शरीर से भी खून की धारा बहने लगी। आज माँ भी मर गई, बेटा भी मर गया, और माँ और बेटे की ममता को देखकर उस कुलटा, उस नृत्यांगना, उस स्त्री को भी भान और बुद्धि आई और वह खंजर निकालकर उसने अपने शरीर को भी मार दिया। एक साथ तीन लोग गिरे। भजन तो बहुत लंबा है, लेकिन अंत में वो संत कहते हैं कि समय बीतने के बाद उस स्थान पर तीन फूल उगे, एक गुलाब का फूल, एक चंपा का फूल, एक कमल का फूल। और संतगण हमें कहते हैं, तृण फूल मही शुथवू न थवू। ये तीन फूल है, इस तीन फूल में से हमें क्या होना क्या न होना हमारे ऊपर है। तृण फूल मही शुथवू न थवू, लई बोधन सम जाय कहिए, समझू ने वधू समझावाई नहीं, मारी वात पूरी यही थाय यही, मानी ममता निया वात कही, मारी वात पूरी यही थाय यही। भक्तों, माँ बाप की बहुत महिमा है, लेकिन ये महिमा हमें तब समझ आती है जब वो इस दुनिया में नहीं रहते हैं। माँ बाप के चले जाने के बाद रोज हार पहनाएंगे, फूल पहनाएंगे, श्राद्ध करेंगे, बहुत अच्छा है, लेकिन जीते जी माँ बाप की जिसने सेवा कर ली उसी का जीवन धन्य है। हरे कृष्णा। धन्यवाद। आप सभी भक्तों ने बड़े भाव से इस कथा का श्रवण किया, धन्यवाद। और जेठवा परिवार को धन्यवाद, उनके पावन पितरों को धन्यवाद जिनके सहयोग से इस कथा श्रवण करने का अवसर मिला। आइए, जय जयकार के साथ हम आज के सत्र को विराम करें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्री कृष्ण चंद्र भगवान।